नमस्कार क्रिस्टल्स और हम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राहिला रहमान। दोस्तों अंक यानी कि नंबर्स हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े होते हैं। कई बार तो ये नंबर्स हमारी ज़िंदगी के रास्ते तक बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सच है न्यूमरोलॉजी का। लेकिन क्या इस सच को हम पॉजिटिविटी का रंग दे सकते हैं? क्या इस पॉजिटिविटी का रंग देने के लिए हम क्रिस्टल्स की मदद ले सकते हैं? क्या वाकई क्रिस्टल्स और न्यूमरोलॉजी के इस संगम से हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं? इन सभी सवालों का आंसर हम जानेंगे आज के अपने इस एपिसोड में, और इसमें हमारी मदद करेंगे क्रिस्टल के जाने माने एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते अनूप जी। नंबर्स हमारे किसी ना किसी चीज़ से जुड़े ही होते हैं जी। और कई बार तो आजकल का अगर ट्रेंड देखें तो लोग नंबर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे, यानी कि न्यूमरोलॉजी पर। क्या सच है इसका और किस तरह क्रिस्टल्स इसमें मदद कर सकते हैं? अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं गाड़ी खरीदनी है तो उसका नंबर कितना होना चाहिए ये बता दीजिए। जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा आप इन चक्रों में पड़ेंगे तो उलझते चले जाएंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी ने अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ किया है जी, तो वो उसी नाम का उसी नंबर का आदमी सारे के सारे उतनी ही लेवल पे पहुँचेंगे। जी जी जी। ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी काबिलियत होनी चाहिए जी। और उसके अलावा अगर मुझे ये पता हो कि हमारे क्या क्या हर्डल्स हैं और उन हर्डल्स को मैं हटा लूँ तो हमारी ज़िंदगी इजी हो जाती है। कई बार माफ़ कीजिएगा मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ अनूप जी, लेकिन कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मान लीजिए 20 नवंबर है तो सिर्फ 20 यानी कि दो नंबर आपका लकी नंबर होता है जी। ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे को टोटल लेना पड़ता है। ओके। अगर 20 नवंबर 1974 है जी जी, तो 2+0+1+1+1+9+7+4 जी जी जी, ये करके जो आएगा उसको भी सिंगल डिजिट में ले जाएं वो हमारा न्यूमरोलॉजी का नंबर आता है। ओके। अब यहाँ पे नंबर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे नवंबर मंथ भी और 20 तारीख भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जी जी। आप ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग जो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जो देते हैं बना के, उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, ना ही कोई भी कुछ नहीं बदल सकते। एक चीज़ कहा जाता है कि डेस्टिनी डिटरमाइंड है जी जी। बिल्कुल अगर ये चीज़ सत्य है और कोई आदमी ये कहता है कि हम उसको बदल सकते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि डेस्टिनी डिटरमाइंड है। जी जी जी। जो चीज़ बदली जा सकती है तो वो डिटरमाइंड है ही नहीं है। जी जी जी। अगर उसको बदल सकते हैं तो डिटरमाइंड वर्ड हटा दीजिए। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी क्या नंबर का, क्योंकि आपने भी बताया कि हम उसका टोटल करके एक नंबर निकालते हैं जी, तो क्या उसका वाकई हमारी जिंदगी पे प्रभाव होता है? ये उत्तर मैं यही बता रहा हूँ आपको कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी वो लिमिटेशंस हैं जी जी। जैसे एक नंबर जिसका आ गया उसको जिंदगी में कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। दो नंबर है उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। तीन नंबर अपने आप का खुद का सेल्फ मेड है और बहुत ज़्यादा ज्ञान और सब कुछ करना चाहता है जी जी। वो दो नाव पे पैर रखेगा। चार का गुस्सा बहुत तेज होगा जी जी। पांच के अंदर सरस्वती लक्ष्मी का वास होगा। छह दूसरों की हेल्प करने वाला होगा जी जी। इस तरह से हर नंबर की अपनी अपनी एक लिमिटेशंस है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम जो क्रिस्टल्स देते हैं वो उसकी उसी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए देते हैं। बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा जी। दर्शकों आज क्रिस्टल और हम में हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में। अनूप जी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप नंबर्स के बारे में बता रहे थे, आपने नंबर वन के लिए बोला कि कभी क्रेडिट नहीं मिलता जी। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने एकदम देखा होगा और उस चीज़ को क्लिक कर लिया होगा जी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं हमें क्रेडिट मिलना ही नहीं तो हम क्यों करें हम जी जी। तो ऐसे में क्या इस चीज़ को बदला जा सकता है क्रिस्टल्स के जरिए? यही मैं आपसे बता रहा था। यहाँ हमारे को अपने माइंड का अपनी एटीट्यूड को उसके अंदर बदलाव चाहिए। एग्जैक्टली। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन किया था क्रिस्टल और म्यूजिक के लिए, जहाँ पे हम उन दोनों की वजह से अपनी सोच के अंदर भी बदलाव ला सकते हैं जी जी। और अपने जो हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके अंदर भी बदलाव ला सकते हैं। ओके। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि उन क्रिस्टल्स को कंसिस्टेंसी से यूज किया जाए, रेगुलरली यूज किया जाए। और जब आप रेगुलरली उसको यूज करेंगे
तो सिस्टम में तो इनकलकेट करके चेंज आएगा ही आएगा। यानी क्रिस्टल के जरिए हमारे भाग्य में जो नंबर के जरिए थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है उसे हम बदल सकते हैं। चेंज नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, भाग्य नहीं बदलेगा। यहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी और उस काम को करने की जो क्षमता है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं, अगर कैंसर की डिजीज है तो कैंसर की डिजीज का जो पेशेंट है वो सालों साल जी सकता है, बशर्ते उसकी विल पावर हो। यहाँ पे अनूप जी, आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के जरिए हम एक नंबर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अक्सर एक केस मतलब जनरली हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन फिर भी एक नंबर के प्रति बहुत ज़्यादा रुझाव होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और उसी को अपना लकी नंबर मानने लगते हैं। तो ऐसे में कितना सही है ये, और क्या उस नंबर को सच में लकी क्रिस्टल के जरिए उस इंसान के लिए बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, एक नंबर की अगर मैं बात करूँ उसको ग्रीन कलर पसंद होगा, दो नंबर की बात करूँ तो उसको पिंक पसंद होगा या वाइट पसंद होगा, तीन नंबर की बात करूँ तो स्काई ब्लू पसंद होगा, चार नंबर की बात करूँ तो रेड पसंद होगा, पाँच की बात करूँ तो क्रीम कलर पसंद होगा, छः की बात करूँ तो उसको ब्लैक पसंद होगा, सात की पसंद करूँ तो ब्लैक उसको ब्राउन पसंद होगा। इस तरह से हर कलर की अपनी अपनी एक पसंद है। अब वो जब पसंद की अपनी चीज देखता है, आप लोग सभी मार्केट जाते हैं अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं या अपने लिए कोई सामान खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, चश्मा खरीदने गए, तो वो जो आपका अपना कलर है आप फटाक से उसको देखेंगे। ध्यान से देखिए आपके चश्मे का रंग कौन सा है। यस, यही आपका कलर है जो आपको पसंद है। बहुत आसानी इसे एकदम एक बहुत ही सरल से एग्जांपल आपने यहाँ पर दे दिया और चौंक गए होंगे हमारे दर्शक भी यकीन है। और डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपने देखना कि आपने क्या पहना हुआ आज। जी जी, बस। और आपने कौन से रंग की चप्पल खरीदी थी, जाके मार्केट में 10 चप्पलें दिखाई होंगी, 10 सूट दिखाए होंगे, एक सूट खरीदा होगा वो कौन से रंग का था, बस उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन अनूप जी, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही ना। कई लोग कहते हैं कि हमारे को ये नहीं पता, हमारे को तो बहुत पुराने हैं, या हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है डेट ऑफ बर्थ का। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पसंद देखिए। अगर आप ये कहते हैं हमारे को तो सब रंग पसंद है, जो भी मिल जाए वही ठीक है, तो आपका 9 नंबर है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि किसका कौन सा नंबर हो सकता है और किसको कौन सा फेवरेट कलर के अनुसार आप नंबर को चूज कर सकते हैं। जी अनूप जी, इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों तक अपनी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा शक वहम में ना पड़िए, ज़्यादा कुछ चक्रों में ना पड़िए, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को लीजिए, उसका सोल्यूशन हो सकता है तो कैसे हो सकता है इन क्रिस्टल्स के जरिए, उसको डिस्कस करिए और क्रिस्टल्स को यूज़ करिए। बिल्कुल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नंबर्स यानी अंकों का गणित उलझा हुआ जरूर है, लेकिन क्रिस्टल्स की पॉजिटिविटी के जरिए हम इसे आसानी से सुलझा सकते हैं। दोस्तों, क्रिस्टल्स और हम में हम यही कामना करते हैं कि क्रिस्टल्स के जरिए हम आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा सेहतमंद बना सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।